औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे अबगीनाए रंग तेरे महित महबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंड ईयर क्लास का मटीरियल मेडिका पढ़ रहे हैं। मेडिसिन है हमारी आर सैनिकम एल्बम और इसकी हम आज फिजिकल जनरल सिम्टम कर रहे हैं। ये याद रहे कि केस टेकिंग के हवाले से फिजिकल जनरल सिम्टम बड़ी अहमियत रखती हैं। पेशेंट की ये सिम्टम्स इसमें हमारी डिज़ायर्स, वर्जन, तर्स, मोडलिटीज़ होती हैं, तो ये इनका बड़ा रोल होता है हमारी दवा की सिलेक्शन में। तो फिजिकल जनरल सिम्टम्स को अच्छे तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें पहली हमारी सिम्टम है रिएक्शन विद हीट एंड कोल्ड चिल्ली पेशेंट। इसका जो पेशेंट होता है आर्सेनिकम एल्बम का, वो चिल्ली पेशेंट होता है। इसको ठंड ज़्यादा लगती है, इसको सर्दी ज़्यादा लगती है। तो नेक्स्ट है अवर्जन फैट एंड रिच फूड। फैट एंड रिच फूड, फैट में जिसमें चिकनाई ज़्यादा हो, रिच फूड लाइक बिरयानी टाइप जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसको नहीं पसंद। अवर्जन टू, हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट है इसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, नफरत है बल्कि उनसे। डिज़ायर में अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, वार्म ड्रिंक्स हैं एंड वार्म फूड है, कॉफ़ी एसिड्स, इस तरह की चीज़ें इसको पसंद हैं। स्वेट एट नाइट, रात के वक्त इसको पसीना आता है। सिम्टम्स एग्रेवेट बाय स्वेट। अब मोस्टली ये होता है कि अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमें फीवर है, तो जब हमें पसीना आता है तो हमारे फीवर में भी या हेडेक में कमी आती है, ठीक है, हमारी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन आर्सेनिकम एल्बम में क्या होता है कि पसीना आने से सिम्टम्स और बढ़ जाती हैं। आपने एक और दवा ये पढ़नी है इसी के परस्पिरेशन के हवाले से, वो आपकी मर्क्सवाल है, उसमें भी जो फीवर या हेडेक का कोई मसला हो तो पसीना आने से और बढ़ जाता है। टिपिकली इचिंग के हवाले से तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि इचिंग जो है, इचिंग एग्रीवेट विद परस्पिरेशन, पसीना आने से इचिंग और बढ़ जाती है मर्क्सवाल में। सो इसमें भी जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट करती हैं। स्लीप यानिंग एंड स्लीपीनेस, यानिंग का मतलब होता है जमाइयाँ लेना, पेशेंट हर वक्त जमाइयाँ से लेता रहता है। स्लीपीनेस, ठीक है, यानी स्लीपीनेस वो कंडीशन होती है जिसके आगे उसके बाद हमने सो जाना होता है, हमें नींद आ जानी होती है, मसलन आंखें बंद हो रही हैं, जमाइयाँ आ रही हैं, तो इसको यानिंग वगैरह तो होते ही है एंड स्लीपीनेस की कंडीशन होती है, लेकिन नींद इसकी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। ड्रीम्स में ऑफ एक्सीडेंट्स, डेड बॉडीज़, फ्राइटफुल ड्रीम्स होते हैं इसके। एपीटाइट इसकी लॉस ऑफ एपीटाइट, भूख इसको बिल्कुल नहीं होती, एपीटाइट निश्ता। थर्स्ट इसकी डिज़ायर्स स्पेशली फॉर कोल्ड वाटर एंड सिप्स, कोल्ड वाटर की इसको डिज़ायर होती है, सिप सिप करके पानी पीना चाहता है, सिप सिप करके। ज़्यादा पानी अगर ज़्यादा मकदार में एक गिलास इकट्ठा पी गया तो फिर आर्सेनिकम एल्बम नहीं है, फिर दवा हमारी ब्रायोनिया बनेगी। वो ब्रायोनिया ज़्यादा मकदार में पानी पीता है विद इंटरवल्स, तो ये बार बार इसके खून खुश्क होते हैं, बार बार पेशेंट सिप सिप करके पानी पीना पसंद करता है। या फिर ये भी होता है आजकल कि समटाइम ये ड्रेड ऑफ ड्रिंकिंग, ये इसको प्यास तो होती है, मुंह तो खुश्क हो रहा होता है, लेकिन पानी पीने से ये डरता है, पानी पीने से ये खौफ ज़्यादा होता है, डरता है, क्योंकि पानी समटाइम जब ये पीता है तो इसको ब्लोटिंग की हो जाती है, पेट इसका अपड़ जाता है, इस तरह की इसको प्रॉब्लम होती है। इसकी मोडलिटीज़ में एग्रेवेशन पीरियाडिकली एट मिडनाइट एंड मिड डे एंड मिडनाइट। पीरियाडिकली का मतलब होता है वक्फे के साथ, मसलन आधी रात के वक्त और दिन के आधे टाइम पे, यानी रात के 12 बजे के लगभग और दिन के 12 बजे के लगभग पेशेंट की जो अलामत हैं उनमें क्या होता है, इजाफा हो जाता है, एग्रीवेशन हो जाता है। नंबर टू, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, ये ठंडे जो मशरूबात हैं, इनसे एग्रीवेशन है। एग्जर्शन, एग्जर्शन मीन कि आप कोई मेहनत, कोई भाग दौड़ वाला काम करते हैं तो उससे मसला होता है। नंबर फोर है लाइंग ऑन अ फ्रैक्चर साइड विद हेड लो। लाइंग ऑन अ फ्रैक्चर साइड, सपोज राइट शोल्डर में पेन है तो राइट शोल्डर की करवट पे अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको दर्द और बढ़ जाएगा, उसका दर्द और बढ़ जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली पेशेंट को हेड लो करने से भी इसकी अलामत में इजाफा होता है। तो मोस्टली इसका जो पेशेंट होता है वो अपना सर ऊंचा रखता है सोते में, या वो बड़ा गोल तकिया इस्तेमाल करेगा। छोटे पिलो से इसको प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 है आफ्टर मिडनाइट, रात आधी रात के बाद अलामत में इजाफा, कोल्ड फूड से इजाफा, एमेल्यूरेशन इसमें जो कमी आती है फ्राम हीट इन जनरल। बेसिकली जो हीट है ये कोल्ड पेशेंट है, हीट से इसको टोटली रिलीफ मिलता है एक्सेप्ट हेडेक, मास वाइज सर दर्द के, बाकी पूरी बॉडी में दर्द है, बुखार है, जो भी है, लेकिन वो उसको हीट से रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो उसकी सर दर्द है, सर दर्द को टिपिकली रिलीफ हीट से नहीं मिलता, वो कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी हॉट ड्रिंक्स, गर्म चीज़ें, गर्म मशरूबात हैं लाइक टी है, सूप है, इस तरह की चीज़ों से इसको रिलीफ मिलता है। हॉट एप्लीकेशन, गर्म पानी की बोतल कहीं दर्द हो रही है वो आप लगाएंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा। मोशन यानी हरकत से, एलिवेटिंग द हेड, सर को ऊंचा लेटते वक्त जब सर ऊंचा रखा होता पेशेंट को, अगर सपोज सांस की प्रॉब्लम है, उसको सांस दिक्कत से आ रहा है, अगर तकिया उसका पतले वाला है, बारीक तकिया है, उस पर सर रखा तो उसका सांस खराब हो रहा है, अस्थमा का मसला है, लेकिन जब वो ऊंचे तकिए पे या बैठ जाएगा या टेबल करके बैठ जाएगा सर ऊंचा करके, तो फिर उसको उससे रिलीफ मिलता है, उसमें कमी आ जाती है। सिमिलरली ये कंपनी से भी इसको रिलीफ मिलता है, कमी आती है, रेस्ट से भी इसकी अलामत में कमी आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने आर्ट सैनिकम एल्बम की गाइडेंस, सॉरी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस सिम्टम पढ़ेंगे और हमारी दवाई ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नई दवाई शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।